अफगानिस्तान में तालिबान का खौफ पूरी तरीके से छाया हुआ है। तालिबानी राज में आम इंसानों का जीना तो हराम है ही, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा उन महिलाओं को है जो अपने सपनों को जीना चाहती हैं। उनमें से एक हैं बॉक्सर सीमा रेजई। राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रही सीमा तख्ता पलट से ठीक पहले ओलंपिक मेडल का सपना देख रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सपना सपना ही रह जाएगा। ओलंपिक से ठीक पहले उन्हें अपना ही देश छोड़कर पलायन करना पड़ा। तालिबान ने उन्हें बॉक्सिंग जारी रखने पर मौत देने का ऐलान दे दिया है। इस बारे में उन्होंने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो मैं अपने कोच के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। कुछ लोगों ने तालिबान को बताया कि एक लड़की पुरुष कोच के साथ ट्रेनिंग ले रही है। इसके बाद तालिबान ने मुझे धमकी दी कि ट्रेनिंग बंद करो वरना मार दिया जाएगा। इसके बाद रेजई ने अपने सपने को जीने के लिए अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया। फिलहाल वो कतर पहुंच चुकी हैं, वहां वो अमेरिकन वीजा का इंतजार कर रही हैं। 16 वर्ष की उम्र में बॉक्सिंग करियर का आगाज करने वाली सीमा को अमेरिका में बॉक्सिंग करियर बनाने की पूरी उम्मीदें हैं। तालिबान ने ये फरमान जारी किया है कि वही महिला स्कूल जा सकेगी या फिर बाहर काम कर सकेगी जो शरिया नियमों के अनुसार चलेगी, यानी महिलाओं को हिजाब पहनना और पर्दा करना हर सूरत में जरूरी है। तालिबान ने महिला क्रिकेट टीम को भी इस्लाम के खिलाफ बताया था। एक बात तो साफ है कि तालिबान के राज में महिला खिलाड़ियों की बहाली साफ दिख रही है। सिर्फ बॉक्सिंग ही नहीं बल्कि तालिबान राज में अफगानिस्तान की बाकी महिला खिलाड़ियों को भी कई और खेलों में भी इस तरीके की दिक्कत का सामना करना पड़ा है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अफगानिस्तान में तालिबान राज में महिला खिलाड़ियों का और क्या हश्र होता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।